अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद ब्यूटी। मैं हूं ऐना। आज की वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार लेमन पेपर चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये दो स्टेप्स में बनता है। फर्स्ट स्टेप में हम चिकन की मैरिनेशन करते हैं और सेकेंड स्टेप में हम इसे फ्राई करते हैं। तो पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए चिकन 1 किलो, दही 1 कप, दही को फेंट लें, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने की चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 2 चाय की चम्मच, नमक 2 चाय की चम्मच, कुटी हरी मिर्चें 3, नींबू का जूस 3 खाने की चम्मच। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले चिकन पर डीप कट्स लगा लें ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। ब्लैक पेपर डाल दें, थोड़ा सा बचा के रख दें, ये हम आखिर में डालेंगे। हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का जूस, नमक और दही ऐड करनी। अब इन सारी चीज़ों को चिकन पर अच्छी तरह लगा लें ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह लग कर एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। स्टेप नंबर 2, फ्राई। लेमन पेपर चिकन को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ऑयल 4 खाने की चम्मच, साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए काली मिर्च साबुत 1 चाय की चम्मच, लौंग 3, छोटी इलायची 3, तेज़पत्ती 3 जिसे मैंने तोड़ कर टुकड़ों में कर लिया है, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने के लिए 1 कप पानी, मक्खन 2 खाने की चम्मच, गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और लेमन। पैन में ऑयल गरम करने के लिए डाल दें। अब गरम ऑयल में मसाले सौते कर लें। आपने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दें और साथ में सारा मसाला भी ऐड कर लें। अब चिकन को कवर कर लें और दरमियाने आंच पर 30 मिनट्स के लिए इसे कुक कर लें। बीच बीच में 2 से 3 बार चिकन को टर्न करते रहें और इसका साइड चेंज करते रहें। आधा घंटा हो चुका है और चिकन पक कर नरम हो चुका है। अब फ्लेम हाई कर लें और हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसमें पानी खुश्क हो जाए और चिकन पर खूबसूरत गोल्डन स्पॉट्स आ जाए। चिकन का मसाला कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और चिकन पर खूबसूरत गोल्डन स्पॉट्स भी आ चुके हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करते हैं। 1 कप पानी में 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर के इस मिक्सचर को चिकन में ऐड कर लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे इतना कुक करें कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 मिनट तक कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को कुक कर लेने के बाद अब इसमें बटर ऐड कर लें
और हरा धनिया, हरी मिर्ची और बचा हुआ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लें। अब इसे मिक्स करें। कवर कर लें, 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दें। लेमन पेपर चिकन तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और चटपटी लेमन पेपर चिकन तैयार है। आप इस रेसिपी से एक बार लेमन पेपर चिकन बनाकर बार बार बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल किचन विद ब्यूटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।